MRO को दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर जॉइंट सर्वे होगा और वहाँ पर जो है इन्हों अपनी फोर्स के थ्रू जाकर कब्जा करना है, क्योंकि काबिज है तो किस किस वजह से काबिज है, उसका नाम कहाँ से आया। एक बार अगर वो वक्फ बोर्ड की लैंड है तो दो वक्फ बोर्ड वक्फ करे वाले भी एक बार वक्फ करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसा काबिज हो सकता वहाँ पर। ये 100% फेथ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। हम्बरपेट पे नमाज गोड़ा ईदगाह की अराजी को मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस करने की रियासती वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की गई। इस पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस अराजी का वक्फ बोर्ड और महकमे रेवेन्यू के साथ मुश्तरका सर्वे करवाने का तयकुन दिया। अम्बरपेट के मजलिस कायदीन के वफद ने मुलाकात के बाद बताया कि मजकूरा अराजी पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं और इसको बेदखल करते हुए यह ज़मीन मुस्लिम कब्रस्तान के हवाले की जाए तो इलाके में तदफीन का जो मसला पैदा हुआ है वो हल हो सकता है। मैं कारपोरेटर कैंडिडेट बात कर रहा हूँ MIM का। आज हम लोग पूरे अम्बरपेट के जितने भी MIM के कारपोरेटर दूसरे पार्टी के और मस्जिद के जामा मस्जिद के जितने भी जो है कमेटी मेम्बर्स है और अम्बरपेट के तकरीबन लोग, उनके अम्बरपेट में कब्रस्तान की बहुत ज़रूरत है। आप कब्रस्तान वहाँ पर छोटा पड़ रहा, छोटा क्या ख़त्म होने को आया, तो इसलिए जो है वहाँ पर 30 एकड़ लैंड नमाजगुड़ा ईदगाह बोल के, जिसका नाम है नमाजगुड़ा ईदगाह। अब नमाजगुड़ा ईदगाह बोलने के बाद उसका मतलब हो गया कि वो वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड की होने के बाद उस पर जो है कोई काबिज है, तो काबिज है तो हम इससे पहले भी बोले, आके यहाँ पर सलीम साहब को बोले तो उन्होंने सर्वे कराए, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर आज जो है असद साहब के तायद पर हम लोग जो है यहाँ पर आए और उन्होंने जो है अच्छे तरीके से रिस्पांस दिए और जब का जब जो है उनके सदर को बुलाए, बुला के बोले कल जो है जॉइंट सर्वे कराने का है हमारे मुल्क, बोले और उन्होंने यहाँ से लेटर फरमान कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से जो है लेटर उसको जो MRO को दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर जॉइंट सर्वे होगा और वहाँ पर जो है इन्हों अपनी फोर्स के थ्रू जाकर कब्जा करना है, क्योंकि काबिज है तो किस किस वजह से काबिज है, उसका नाम कहाँ से आया। एक बार अगर वो वक्फ बोर्ड की लैंड है तो दो वक्फ बोर्ड वक्फ करे वाले भी एक बार वक्फ करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसा काबिज हो सकता वहाँ पर। ये 100% फेथ है। अब वहाँ पर जो है घास काट लेके बैठ ले रहे, खा ले रहे, कौन है उनको थोड़े पैसे देते रहे, उन्हें मुँह बंद कर दे रहे, तो इस वजह से आज तक जो है वो आगे नहीं आई उस ज़मीन। 30 एकड़ लैंड है भाई, जबकि ईदगाह का वहाँ पर पत्थर भी है, ईदगाह का गिरा हुआ पत्थर भी दिख रहा। अब नाम खुद जो है उसका जो है नमाजगुड़ा ईदगाह बल्कि है। अब नमाजगुड़ा ईदगाह बनने के बाद 100% वक्फ बोर्ड की लैंड है वो। हम जो है गजट भी दिए, कहा है वो गजट का एक पेपर बताओ। देखिए भाई, जिसके चेयरमैन असद साहब है और जो है ये गजट है, ये गजट जो है पूरे तरीके से हम पूरे पेपर निकाल के निवाला बना के हम जो है पेपर से ये जो सर्वे नंबर्स के साथ हर चीज़ है ये, तो ये पूरे पेपर सब दे रहे हैं बना के। अब कुछ नहीं, अगर यही पेपर में जो है अगर उन्हों बगैर सर्वे करे, इससे पहले जो सर्वे कराए वो सर्वे पर जो है वहाँ पर उन्होंने काबिज कर ले सकते, ज़मीन को हैंड ओवर ले सकते, मगर उन्होंने फिर भी जॉइंट सर्वे बोल के बोल रहे हैं। फोन दो जॉइंट सर्वे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले ओवर वाले आए तो आके क्या करेंगे? इससे पहले ओवर वाले आए आके सर्वे करे, जबकि लैंड है बोल के मालूम है, हर चीज़ मालूम है, मगर फिर लोग क्या बोले, बोलते जॉइंट सर्वे कराना पड़ता MRO को बोल के, जॉइंट सर्वे करेंगे बोल के। खैर भाई, जॉइंट सर्वे करा दो, हमारे कोई एतराज़ नहीं उससे, मगर जल्द से जल्द कराना, जल्द से जल्द कराना। अब मर गए तो काटने के वास्ते जगह नहीं है वहाँ पर, अब इसको लेट करें तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो लिहाजा जो है हम 8 दिन के अंदर अगर ये काम किया है, ज़मीन हमारे हैंड ओवर नहीं हुई तो हमारे जितने भी लोग हैं वो पूरे जो है यहाँ पर धरना बैठने का इरादा करें। ये असद साहब की तायद है, हमारी नहीं, क्योंकि हमारे को जो है वहाँ पर बैठे वाले काबिज रहने वाले अगर हमारी जान भी लेना चाह रहे तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम वो जमा इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह किसी सूरत में वो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री
बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।